घी मिक्स ऑयल को हमने तवे पे फैला करके उस पर हमने एक ब्रेड अच्छे से सेक लिया, जिससे ये नॉन स्टिक की तरह हो गया है। रोटी या ब्रेड या फिर ओनियन को कट करके तवे पर, गरम तवे पर ऑयल डाल के रब करके इसको सेकने से तवा बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह वर्क करता है। हमने इस पर ब्रेड सेक लिया, अब ये नॉन स्टिक की तरह वर्क कर रहा है। मोटे उत्तपम पर ही कोई भी बेसिस डाल के कुक करना ईजी होता है। हमने इसमें 2-3 स्पून डोसे के बटर छोड़ दिए, जिससे ये मोटा डोसा हो गया। और मोटे डोसे को उत्तपम कहते हैं। और देखिए बहुत ही आराम से निकलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह हो गया है। ये मोटे डोसे पे आप कोई भी वेजिस डाल के भी बना सकते हैं। देखिए देखिए मैं कैरेट डाल रही हूँ, ऑनियन डाल रही हूँ, फिर टमाटो, और मैं इसमें धनिया की पत्ती और हरा मिर्च भी डाल रही हूँ। आप चाहे तो धनिया की पत्ती की जगह सोया का साग भी डाल सकते हैं, उससे भी उत्तपम का स्वाद बहुत अच्छा लगता है कैरेट के साथ। तो आप कोई भी ऐसी वेजेस जो जल्दी कुक हो जाती हैं वो डाल सकते हैं, और ये उत्तपम बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी, तवे पे डोसा बनाने की रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब।